जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी वाले बच्चे रेलवे में सिलेक्शन क्यों ज़्यादा पा जाते हैं, क्यों रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है या कम वेटेज में होता है। तो हर एक चीज़ हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी के जो बच्चे होते हैं वो मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो। वहाँ पे आप लोग खुद देखते हैं कि मैथ रीजनिंग सबसे ज़्यादा आता है, तो वो लोग मैथ रीजनिंग में अपनी पकड़ अच्छी बनाए रखते हैं। और जब उनको रेलवे का एग्ज़ाम देना होता है तो रेलवे की मैथ जो होती है वो एकदम बेसिक बेसिक प्रश्न होते हैं, वो ईजिली कवर कर लेते हैं। अभी मैं बात करूँ अगर आरआरबी टेक्नीशियन की, वहाँ पे जो मैथ है वो 25 नंबर की आनी है और रीजनिंग भी 25 नंबर की आनी है, तो उन लोगों की मैथ और रीजनिंग में अच्छी पकड़ होती है, तो 50 में लगभग 48, 49, 47 और कुछ बच्चे तो 50 भी स्कोर कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जो रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो क्या गलती करते हैं, वो मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं लेकिन अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, लगभग 20 प्लस आने लगा तो खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो पूरे दिन साइंस पे टाइम देने लगते हैं कि साइंस में मैं स्कोर कर लूं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर 40 नंबर की साइंस आनी है तो लगभग 70% बच्चे 20 प्लस तो स्कोर कर ही लेगा जो तैयारी कर रहा है टेक्नीशियन की, चाहे वो एक मिनिमम तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही तैयार कर रहा हो, 20 प्लस तो ईजिली कर लेगा। लेकिन आप क्या करते हो कि बहुत अच्छे नंबर खींचने के चक्कर में कि मैं 30 प्लस कर लूँ, 35 प्लस कर लूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हो, बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हो। भाई वही सबसे पहली गलती आपकी शुरू हो जाती है। आपने क्या किया कि डीप में पढ़ने के चक्कर में आपने मैथ रीजनिंग का समय थोड़ा सा कम कर दिया, और जैसे ही मैथ रीजनिंग का समय कम किया वो आपके श्योर नंबर होते हैं, 100% आपको वहाँ से नंबर खींचते हैं। आपने मैथ रीजनिंग का समय कम किया, प्रैक्टिस कम की, तो एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल में केवल कैलकुलेशन से गलत हो जाते हैं, बाकी 4-5 प्रश्न तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे छोड़ देना है। इस तरीके से आपका जो स्कोर होता है वो 17 के आसपास रह जाता है, तो मतलब आप स्कोर दोनों में 35 प्लस कर पाते हो, मतलब यहाँ पे 2-4-5 नंबर आप बड़ी मुश्किल से बढ़ा पाओगे, बड़ी मुश्किल से, और वहाँ पे आप जो श्योर नंबर है अप डाउन कर लोगे। अब आप सोचो कि जो एसएससी वाला बच्चा है वो मैथ रीजनिंग में 50 में 50 कर लिया, 50 में 48 कर लिया, आपने स्कोर कितना किया, सिर्फ 35 प्लस, इसका मतलब आप वहाँ से भी 12-13 नंबर कम रह गए उससे। लेकिन यहाँ पे अगर आप 20 कर ले रहे हो, एसएससी वाला बच्चा भी 20 कर ले रहा है, तो आप खुद सोचो क्या साइंस में आप 12 नंबर बढ़ा के मतलब लगभग 35 के अराउंड पहुंच सकते हो? भाई पॉसिबल ही नहीं है कि 35 के अराउंड आप पहुंच जाओ। इसीलिए एसएससी वाले बच्चों का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो मैं आप सब लोगों को ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रणनीति बनाएं, आपको अपने तीनों सब्जेक्ट पर फोकस रखना है। मैथ रीजनिंग अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आउट ऑफ सिलेबस आएगा, मतलब अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो गारंटी है कि आपके 48 और 49 मार्क्स आराम से बन जाएंगे मैथ रीजनिंग में। तो आप लोग सबसे पहले मैथ रीजनिंग का जो स्कोर है उसको खींचने की कोशिश करें, उस पर अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, और इधर आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ लीजिए साइंस में तो भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और न्यूमेरिकल देख लिए तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा और आप इजीली सिलेक्शन ले पाओगे। और यही स्ट्रेटजी रहती है एसएससी वालों की। मैथ रीजनिंग में उन्होंने 48 या 49 का स्कोर कर लिया, यहाँ पे अगर वो 20 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं आपको सोचिए वो इजीली 70 के आसपास पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा और तैयारी कर रहा है, अच्छे लेवल पे है, तो उसने अगर 25 भी कर लिया तो भाई 75 के आसपास पहुँच गया, इसीलिए उसका सिलेक्शन ईजिली हो जाता है। तो आप साइंस में 35 प्लस को मत सोचें। अगर आप 25 प्रश्न भी अच्छे से कर पा रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो भाई आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी है, इससे ज़्यादा को मत सोचें। अगर इससे ज़्यादा आप एक नंबर भी बढ़ाना चाहेंगे ना तो आपको 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो 4-5 घंटे अगर आप मैथ रीजनिंग में दे दोगे तो इजीली 1-2 नंबर बढ़ा दोगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा डीप में जाने को मत सोचें, सारे सब्जेक्टों पर पकड़ बनाने को सोचें, इसीलिए आप कंपटीशन में पीछे रह जाते हो। तो आप लोग रणनीति के साथ तैयारी करें, तीनों सब्जेक्ट पर फोकस करें। रही बात करंट की, तो मैं खुद इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या इस पॉइंट में कुछ चेंजमेंट हुआ है, बदला हुआ है, बस एग्जाम टाइम वही पढ़ के चले जाना, क्योंकि वो 10 नंबर में सिर्फ करंट की ही चीज़ें आती, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इस समय कुछ घटनाएं चल रही हो, बस उसी से पूछा जाता है उस 10 नंबर में, उसको रोज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। जय।